तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंड स्क्रीन लगा के दिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोग इजीली लगा सकते हो। उसके बहुत सारे फायदे हैं, उससे क्या होता है आपका चैनल भी जल्दी ग्रो होने का चांस बढ़ जाता है। तो गाइस वीडियो को ना देरी के कर लेते, वीडियो को स्टार्ट। आपको क्या करना, किसी भी वीडियो में इंड स्क्रीन लगाने के लिए आपको क्रोम में पहले जाना है। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर पहले न्यू टैब आपको सिलेक्ट कर लेना है। न्यू टैब जैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से होम स्क्रीन का यूट्यूब होम मिलेगा, उसको टैप कर लेना है। उसके बाद एक आपका न्यू पेज ओपन आएगा, जिसमें आपका यहाँ पर जी मेल आई डी से आपका आई डी जो लॉगिन, उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा देर लोडिंग ना मारना, यहाँ पर नेट स्लो चले, इसके कारण थोड़ा नेट स्लो इशू आ रहा है, तो आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। उसको जस्ट आपका पेज ओपन हो गया, आ जाता है यहाँ पर, फिर से वहीं पर आपके चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। वहाँ पर व्यू योर चैनल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, ग्रीन कलर का आपका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको वाइट स्टूडियो जो कि क्रोम से आपको ओपन होकर दिखेगा भी, ठीक है। कुछ देर लोडिंग लेने के बाद, ये अक्सर सबको पता होना आपको इंड स्क्रीन कैसे लगनी है, सबको पता होना चाहिए। और हमारा यहाँ से आ चुका है, यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देते पहले, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जस्ट आपको प्ले लिस्ट का सेकेंड नंबर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। कंटेक्ट जो लिखा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जिस भी वीडियो पर इंड स्क्रीन लगाना हो वो लगा सकते हो। जैसे मेरा ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। क्या करना है, इसको इस पर क्लिक करना, जो वीडियो आपको ट्रेंडिंग चल रहा है उस वीडियो पर आपको लोगो पर क्लिक कर लेना, उसको थंबनेल पे। थंबनेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल का आइकन का इंड स्क्रीन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जस्ट फिर से हमारे एक इंड स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंड स्क्रीन, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसके कारण। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोसेस आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको इंड स्क्रीन का लगाने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से मैंने एक इंड स्क्रीन लगाया हो, इसको हटा के लगाना चाहते हटा के लगा सकते हैं, या तो किसी में नया लगाना तो उसमें नया में लगाते, मैं इसमें भी नहीं लगाने वाला हूँ। तो मुझे एक वीडियो उसमें लगाना, ठीक है। यहाँ से फिल्टर पे जाना है, यहाँ पर देखो एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको व्यूज, सबसे ज़्यादा किस व्यूज में उसको हम सेट करें, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 मिलियन, 1 मिलियन आपको जितना हो एक अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद सबसे ज़्यादा जो व्यू वो आपको यहाँ पर शो होगा, मैं उसके बाद जस्ट वो वीडियो पर आपको क्लिक करना है। तो मेरे ये वीडियो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस पर क्लिक करके आपको पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। पेंसिल पे जैसे क्लिक करते इसको स्क्रॉल फिर से छोटा करा, यहाँ से मैंने इस पर इंड स्क्रीन लगाया, बस इस पर का हटा के मैं एक नया पे इंड स्क्रीन लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंड स्क्रीन का ऑप्शन आ चुका है, और नहीं तो यहाँ से आपको नया लगाना, तो यहाँ पर प्लस करके अब इस पर लगा, इस वीडियो के आपको टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिस भी पहले एक बार बता देते, जिस वीडियो को आप चेंज करना चाहते हैं, मेरा ऊपर है, ऊपर वाला वीडियो का है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक केस सेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से दिस वीडियो डिलीट नहीं, एक वीडियो को जो लगा ना उसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से डिलीट करना है पहले। ठीक है, उसके बाद हमसे ऐड यहाँ पे प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है फिर से वीडियो पे, और यहाँ से चॉइस वीडियो मिलेगा, यहाँ से देख सकते चॉइस, इस पर क्लिक कर लेना है। और मेरे ये अभी वीडियो को लगाना है, ठीक है। यहाँ से वीडियो पे क्लिक कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे थंबनेल, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लग चुका है। और यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा।